लिसनर्स को बहुत ज्यादा इश्तियाक था आपसे आपकी इंटरव्यू सुनने का, आपके बारे में जानने का. तो हम विदाउट एनी फर्दर ड्यू आपका इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं और हम आपसे पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस एज अ पाकिस्तान हाई कमिश्नर कनाडा में कैसा है अब तक. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जी. और एट डिफरेंट फैसेट्स ऑफ माय स्टे हैव बीन एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग एंड फुलफिलिंग पर्सनली एज वेल एज प्रोफेशनली. कैनेडा इज अ वंडरफुल कंट्री एंड विद अ वेरी वंडरफुल गवर्नमेंट एंड पीपल एंड स्पेशली आर डायस्पोरा in Canada. It's always a pleasure to interact with them and to learn from them. Very nice. Sir, यहाँ पे आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ख्वाहिश होती है कनाडा में पढ़ने की, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं, यहाँ की स्टडीज बहुत अच्छी हैं. तो जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए और जो पाकिस्तानी यहाँ पे कनाडा में मौजूद हैं उनके लिए क्या हेल्प अवेलेबल है आपके ऑफिस? जी जी, इसमें जी बेसिकली एक चीज़ विच रिक्वायर्स क्लैरिफिकेशन वो ये है कि जहाँ तक वीज़ा का सवाल है, किसी किस्म का भी वीज़ा हो तो वो कोई भी मुल्क जो है उसका सॉवरन राइट होता है कि वो किसको एडमिट करे और किसको ना करे. जी सर जी. अब कनाडा की हुकूमत की तरफ से बड़े अच्छे इकदाम हुए हैं. दे शोड अ ग्रेट जेस्चर by adding Pakistan को, पाकिस्तान को उन्होंने शामिल किया स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में. जी जी. STS जिसको कहते हैं इन शॉर्ट, फ्रॉम July 2019. जिसकी वजह से जी जी जिसकी वजह से प्रोसेसिंग टाइम बड़ा कम हो गया. अब आगे मसला आया कि वीज़ा जो रिफ्यूज़ल के इशूज़ हैं और उसमें फिर ये है कि काफ़ी इस पर मुख्तलिफ थेरीज भी हैं, इस पर मीडिया में कवरेज भी हुई है और काफ़ी ये सवाल उठाए गए हैं कि जी रेट ऑफ रिजेक्शन बड़ा हाई है. जी सर, इसकी क्या वजह है सर? जी जी, मैं अर्ज़ करता हूँ. तो बाज़ हलकों की तरफ से ये भी स्पेकुलेट किया गया कि जी मे बी कुछ सिस्टेमिक बायस है या ये वजह है कि जो वीज़ा प्रोसेसिंग इनकी फैसिलिटी है कनाडा की वो क्योंकि यूएई में है तो इस वजह से कुछ मसाइल होते हैं. तो मैंने यहाँ आने के और ये स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में पाकिस्तान के शामिल होने से भी पहले की बात है, तो मेरा इनसे मुलाकात हुई पार्लियामेंटेरियन से जो पाकिस्तान कनाडा पाकिस्तान पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप के मेम्बर्स हैं. उनके साथ भी मैंने ये इशू रेज़ किया कि जी ये डिफ़िकल्टीज आ रही हैं ये वो. उस वक्त अभी SDS इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था और हमने ये भी कहा कि कम्युनिटी की तरफ से इन खदशात का इजहार किया जाता है कि सिस्टेमिक बायस है या वो UAE में वीज़ा प्रोसेसिंग सेंटर. बल्कि मैंने उनसे दरख्वास्त भी की हुकूमत कनाडा से कि जी आप वो वीज़ा सेंटर को इस्लामाबाद मुंतकिल करें जिस तरह बाकी मुल्कों ने किया है, क्योंकि अब सिक्योरिटी सिचुएशन और परसेप्शंस बहुत बेहतर हैं पाकिस्तान के बारे में और इस्लामाबाद के बारे में. तो उसमें मुझे यकीन दिलाया गया कोऑपरेशन का, लेकिन फिर ये भी है कि जो हुकूमती हलकों की तरफ से हमें ये भी बताया गया कि जी जो ये खदशात हैं सिस्टेमिक बायस के ये गलत हैं और बल्कि जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बेहतर हो गया है और वीज़ा इशुंस रेट भी बेहतर हो गया. अब एक और एस्पेक्ट ये है कि इसका मुआवजा किया जाता है कि जी हिंदुस्तान से तालिब इल्म आ रहे हैं, चीन से आ रहे हैं और मुल्कों से आ रहे हैं, तो पाकिस्तान से इतने नहीं आ रहे. अब ये थोड़ा सा प्रॉब्ली अनफेयर कंपेरिज़न हो गया क्योंकि चीन की और भारत की आबादी हमारे से बहुत ज़्यादा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना पड़ेगा. वो मुश्किल है कि बिल्कुल एक ही नंबर हो. अब रह गई बात कि जो तो हमने लेकिन इसको बड़ा थ्रेड बेयर डिस्कस किया और अपने काउंटर पार्ट्स के साथ, अपने इंटरलॉकेटर्स के साथ इन द कैनेडियन सिस्टम. तो उन्होंने कहा जी कि इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो यू हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स. आई एम श्योर नन ऑफ अस इज़ अ स्ट्रेंजर टू दिस थिंग. अब मैं एज हाई कमिश्नर भी जब आया था
तो मैंने काफ़ी लंबे चौड़े वीज़ा फॉर्म भी भरे, सवालात के जवाब भी दिए। आई डेंट पुल रैंक एंड से कि जी नहीं ज़रूरत नहीं है, तो वो ये है कि जो सवाल पूछे जाएँ उनका जवाब भी दिया जाए और जो उसमें दस्तावेज़ात की ज़रूरत है वो मुहैया की जाए, और ये ना लगे कि जी ये जो मसलन जो वीज़ा प्रोसेस करने वाला बंदा है उसको ये ना लगे कि जी ये कोई जो 8 10 20 एप्लीकेशंस आई हैं इकट्ठी, ये शायद एक ही आदमी ने फिल की है और एक ही पैटर्न पे। तो उसमें ये है कि जो लोग रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं और जिनके बारे में हु मैनेज टू सेटिस्फाई कि जी हमारा यहाँ पे बोनाफाइड पर्पज़ है टू स्टडी एंड देन वी विल गो बैक, आई थिंक दे आर नॉट हैविंग अ प्रॉब्लम। बट नेवरदलेस हमारा कंसर्न, मतलब अगर हमारे भाइयों बहनों में जो यहाँ रह रहे हैं ये कंसर्न है, तो नेचुरली हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसको परसू करते रहें, और वो हम कर रहे हैं। और उसमें मैंने ये भी दरख्वास्त की है इनकी वजारत खारजा से कि जो भी आपका वर्जन, जो भी स्टैंड्स है, तो हमें उस पर कुछ आप स्टेटिस्टिक्स भी दें, सो दैट यू नो वी कैन देन सेटिस्फाई पीपल हु अप्रोच अस फ्रॉम द कम्युनिटी, ताकि बिल्कुल उनको बिल्कुल लगे कि जी ये हमारे खदशात जो हैं ये मतलब इतने वेल फाउंडेड नहीं है, क्योंकि इट्स एन अनफॉर्चुनेट इम्प्रेशन टू हैव। ये अगर इम्प्रेशन क्रिएट हो जाए कि जी सिस्टेमिक बायस है और पाकिस्तानियों को सिंगल आउट किया जा रहा है, तो ये हमारा मकसद है कि इसका कोई बेहतर हल होना चाहिए, ये परसेप्शन अच्छी नहीं है। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जो कैनेडियन अथॉरिटीज़ हैं वो बहुत सीरियस हैं इसको डिस्पेल करने के मामले में, दे आर नॉट ब्रशिंग इट असाइड, या वो ये नहीं कह रहे कि जी चलें अब आप गुजारा करें जैसे भी है, दे ऑलवेज यू नो गेट बैक टू अस विद प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो अभी तक जो हमारी हमें कोई ऐसी ओवरवेलमिंग एविडेंस नहीं मिली टूवर्ड्स दिस के जी ये कोई जानबूझ के किया जा रहा है, लेकिन हमारी एक जिस तरह उर्दू में कहते हैं जैद मुसलसल है, इट्स एन ऑन गोइंग एंडेवर, एंड इंशाल्लाह रेस्ट अश्योर्ड दैट यू विल नॉट फाइंड अस लैकिंग इन दिस रिस्पेक्ट। थैंक यू। आई होप सो सर कि इसमें भी जो है इकदाम उठाए जा सके और जी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का वीजा अच्छे से लगे, ज्यादा से ज्यादा लगे, और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जी को चाहिए कि वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन से काम करें, बिल्कुल वो बिल्कुल जो बिल्कुल सही फैक्ट्स एंड फिगर के मुताबिक जो है अपने डॉक्यूमेंट्स फिल अप करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी जी फैक्टर टू जी गेट योर वीजा एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, राइट जी सर? जी जी बिल्कुल 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 सर। अब देखिए बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ पे भी मौजूद हैं, ऑलरेडी कनाडा में मौजूद हैं, अब वो क्या कर सकते हैं अपनी मदरलैंड को, अपनी होम कंट्री को सपोर्ट करने के लिए? हम लोग एज अ पाकिस्तानी कैनेडियन क्या कर सकते हैं अपने होमलैंड को सपोर्ट करने के लिए? देखें जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वुड नॉट प्रिज्यूम टू लेक्चर देम इन दिस रिस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत खुशी होती है और फ़ख्र होता है ये कहते हुए कि हमारे जो पाकिस्तानी नजाद कैनेडियन हैं भाई बहन, उन्होंने हमेशा वतन अजीज़ के लिए हर किस्म की मदद की है। कोई भी वहाँ पे कोई नेशनल कॉज है उसके में कंट्रीब्यूट करने में दे हैव नॉट बीन फाउंड लैकिंग, वेदर इट इज़ फंड रेजिंग फॉर सम डैम और फॉर सम चैरिटेबल कॉज, तो हमेशा उन्होंने बढ़ चढ़ के उसमें। फिर ये है कि दे ऑल्सो यू नो मेंटेन लिंकेजेस, ट्रैवल भी करते हैं, और फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो हमारे बहुत अच्छे नुमाइंदे हैं यहाँ पे, बिकॉज दे शो एन एक्सलेंट फेस ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे जो लोग सेटल्ड हैं एंड दैट इंक्लूड्स यू नो यंग एंटरप्राइजिंग पीपल लाइक योरसेल्फ, कि उन्होंने दे हैव कार्व्ड आउट अ गुड नीश फॉर देमसेल्व्स एंड दे हैव यू नो दे आर वेरी वेल रिगार्डेड इन वट एवर वॉक ऑफ लाइफ दे बिलोंग टू, और उनको बड़ी अच्छी नज़र से देखा जाता है। और ये आई कैन अश्योर यू दिस इज़ बेस्ड ऑन माई इंटरेक्शन विद कैनेडियन लीडरशिप एट डिफरेंट लेवल्स, एंड इवन द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैज़ वेरी गुड वर्ड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड द कंट्री एंड ऑल्सो द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पाकिस्तानीज हु आर लिविंग इन कैनेडा। तो उसमें भाई ये है जी कि जो भी आई मीन कंटिन्यू टू डू वॉट यू डू, उसमें ये है कि मेक यूज़ ऑफ यू नो अपॉर्चुनिटीज़ बैक होम, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी
रोशन डिजिटल अकाउंट्स शुरू हुए हैं उनके एडवांटेज ने यूज़ यू नो लीगल बैंकिंग चैनल्स टू रिमिट मनी एंड फिर ये है कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट यू नो उसमें बड़ा रोल है अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना ऑन इशूज़ फिर ये है कि हमारी कम्युनिटी ने बहुत अच्छा वी हैव फाउंड देम वेरी फोर्थकमिंग इन प्रोजेक्शन ऑफ द कश्मीर इशू कश्मीर की आपको पता है वहाँ पे इट हैज़ टर्नड इनटू द लार्जेस्ट यू नो कंसंट्रेशन कैंप इन द वर्ल्ड एंड पीपल आर बीइंग हेल्ड इन कम्युनिकाडो इन दिस डे एंड एज व्हेन पीपल कैन नॉट डू विदाउट यू नो इंटरनेट एंड अदर फैसिलिटीज फॉर अ फ्यू मिनट्स They have been cut off from the world and they've been groaning under the yoke of state terrorism for more than a year now. So, उसमें हमारी community ने बड़ा अच्छा role play किया है in sensitizing the Canadian leadership. तो overall ये है कि keep up the good work, Godspeed, and in whatever way we can help, we are always at your service. Thank you. सर आपने कहा कि आप इंटरेक्ट करते हैं कैनेडियन कम्युनिटी के साथ लीडरशिप के साथ तो मैं ये पूछना चाह रही थी मेरा अगला सवाल ये था कि अब पाकिस्तान एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन कैसा अब जाना जाता है अब उन पाकिस्तान को लेके पॉजिटिव परसीव किया जाता है कैनेडा में कैनेडियन सिटीजन के लिए डू दे वांट टू विजिट पाकिस्तान नाउ क्योंकि टूरिज्म भी पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जी जी बिल्कुल इसमें देखें पाकिस्तान आई हैव हेल्ड दिस व्यू यू नो since my much younger days in the diplomatic service or I remember writing something on this subject when I was posted in Brussels aur uska title tha ki Pakistan is one of the best kept secrets in terms of tourism no doubt to wo jo hota hai na seeing is believing ke when you get there to wo phir it's something that stands on its own jo bhi dekhe na jis tarah कनाडा में जो नेचर के वंडर्स हैं तो उनको अब नायग्रा फॉल्स डजंट हैव टू एडवर्टाइज इटसेल्फ एनीबॉडी हु गेट्स देयर रियलाइजेस कि इट्स अ प्लेस वर्थ विजिटिंग दूसरा पाकिस्तान में जो डाइवर्सिटी ऑफ टेरेन है और जो मतलब है कि सीनिक ब्यूटी है नॉर्दर्न एरियाज में और बड़ा कम ऐसा नज़र आता है कि एक मुल्क में डेजर्ट से ले कर हाई माउंटेंस तक ये सारी चीज़ें हों unspoiled beauty you know as they say this is there are so many places in Pakistan about which you can say this is how the world used to be before the you know before the environmental pillage started so yeah. pristine aur sara aur usme phir ye hai ki thoda masla raha hai afghanistan situation ki wajah se kuch bad press aur is tarah ki cheezein bhi perception jaise create ki jati hai लेकिन उसके बावजूद भी लोग जाते रहे हैं वहाँ और अब क्योंकि वो चीज़ें डिस्पेल हो गई हैं तो बहुत से लोग जा रहे हैं आपने कई व्लॉगर्स भी देखे होंगे फ्रॉम कनाडा यू नो हु हैव डन लाइक विजिट टू पाकिस्तान रिलेटेड टू यू नो द क्यूज़ीन ऑफ पाकिस्तान एंड सो ऑन सो फोर्थ और यहाँ से रिलीजियस टूरिज्म काफ़ी हुआ है सिख बरादरी की तरफ से जो करतारपुर कॉरिडोर की फैसिलिटी इमरान खान साहब ने दी है इट हैज़ द जेस्टर हैज़ गॉन डाउन एक्सट्रीमली वेल विद आवर सिख ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड इट हैज़ बीन अप्रिशिएटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं यहाँ आने से पहले आई वाज इन केनिया एंड आई रिमेंबर रनिंग इनटू एन एल्डरली सिख जेंटलमैन हु रियली हग्ड मी एज इफ आई वाज हिज ब्लड रिलेटिव एंड ही वाज सो ओवरवेलम्ड बाय व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ डन एंड सो ऑन सो फॉर्थ सो बेसिकली ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत अच्छी अट्रैक्शंस हैं फैसिलिटीज़ हैं और उसके अलावा इवन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इफ यू अलाउ मी टू यू नो गो बेट अहेड बहुत से जो यहाँ पे मेडिकल मसाइल हैं बाज़ होता है ना कि यू हैव टू गेट इन द क्यू या वो मतलब चलें यहाँ पे तो स्टेट पेज फॉर इट बट देन देयर इज़ अ वेटिंग ऑल्सो तो मैनी पीपल go to Pakistan to get their procedures done. UK से भी बहुत लोग आते हैं और it's a excellent quality but the cost is much lower. Yeah, that's तो जी जी ये सारी एंड देन बेसिकली कनेक्टिंग विद योर हेरिटेज
यू नो दिस इज़ वेयर वी कम फ्रॉम एंड सो ऑन सो फॉर्थ। सो उसमें ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जाएं और बल्कि आई वुड यू नो इम्प्लोर योर लिसनर्स कि जिस तरह होता है कि यहाँ से मैं तो खैर कह नहीं जाता इवन इन द डेड ऑफ विंटर व्हेन इट इज़ -40 और व्हाटएवर, लेकिन होता है बाज़ दफ़ा यहाँ मैं सुनता हूँ कम्युनिटी के लोगों से कि जी जब बहुत डेड ऑफ विंटर होता है तो हम फ्लोरिडा चले जाते हैं, ऐसी जगहों में चले जाते हैं। तो पाकिस्तान जाएँ, यू फील मच बेटर, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी आई मीन द फैसिलिटीज़ आर देयर, वी आर हेयर टू फैसिलिटेट अगर कोई इंटरेस्टेड हो ग्रुप टूरिज्म में जिस तरीके से भी, और हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बट देन पाकिस्तान तो वो है जी सीइंग इज़ बिलीविंग, अब तो थैंक्स टू यू नो सोशल मीडिया एंड ऑल दीज द वे यू कैन एक्सेस वीडियोज एंड सो ऑन सो फॉर्थ। मेरे लिए खुद बार दफ़ा आई एम ऑनेस्टली टेकन अबैक व्हेन आई लुक एट फोटोग्राफ्स एंड वन थिंक्स दिस इज स्विट्जरलैंड और सम प्लेस एंड देन इट टर्न्स आउट कि वो पाकिस्तान में कुछ है। नहीं 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 बल्कि बहुत आगे है, बहुत आगे है, बहुत आगे, बिल्कुल बिल्कुल। जो आप प्रोवाइड करते हैं, आप कैसे फैसिलिटेट करते हैं ऐसी कंपनीज जी पाकिस्तान में खोलना चाहती हैं अपनी कंपनीज या उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हैं जी? बेसिकली इसमें यह है कि किसी भी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के लिए ये दो मरहलों का एक सादा सा तरीक़ाकार है कि पहले पहल कंपनी रजिस्ट्रार को अपने नाम के लिए तीन नाम तजवीज़ करे, उसमें फिर वो होगा कि एक नाम अप्रूव होगा अगर वो पहले से उसका कोई रजिस्टर्ड नहीं है इन समबडीज नेम, एंड देन यू नो डिफरेंट documents are required. My advice would be कि उसमें it should be done through some proper you know law firm. ये थोड़ा मैंने trend देखा है उधर Kenya में भी देखा था कि people tend to go it alone and sometimes you know for purpose of economy कि चलें जी हम खुद ही कर लेंगे या connections use कर लेंगे इस तरीके से। तो उसमें ये है कि कोई उनके लिए कोई unforeseen difficulty ना हो। बाकी जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बड़ा हमारा फाल इदारा है जी, उनकी वेबसाइट भी है, फिर उनकी उनके साथ हम लिंकअप भी कर सकते हैं लोगों को, एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन डूइंग बिजनेस। और उसमें ये मैंने बारहा मुख्तलिफ फोरम्स पे यहाँ पॉइंट आउट किया है कि पाकिस्तान इज़ ओपन फॉर बिजनेस, पाकिस्तान में ईज़ ऑफ बिजनेस बहुत बढ़ गई है, जो इंटेग्रिटी लेवल है अनप्रेसिडेंटेड है इमरान खान की गवर्नमेंट का, and investors generally trust the government and they don't have any apprehension ki ji hamari investment ka kya banega ya kaise hoga. aur baki ye hai ki jo pakistan ki advantages hain those are well known. pakistan ki jo port facilities hain to usme add to that the gwadar port pure ilake mein aisi port hai ki jo the only port which can take you know mother load of mother 100,000 tons plus ki jo ships hai, to jo only deep sea port. to ye baki jitne bhi well known ports hain ilake ki, main ab unko single out nahi karna chahta, lekin unse better facilities hain. phir pakistan ki jo strategic location hai, aur ab ye theek hai mixed blessing bhi hai, usme ye hai ki uske masail bhi hain lekin uske advantages bahut. so pakistan is at the cusp of you know very important regions of the world, definitely no doubt sir. so anyone who takes advantage of that has a lot to you know earn. aur wahan se phir matlab agar aapko business setup karte hain, say for example aap ek canola oil ki factory laga lete hain, to canola oil to bahut hai canada mein, yahan se leke if you are you know manufacturing, i'm just giving an example, उसके बाद बहुत मार्केट है आपके पास, सेंट्रल एशिया में जा सकता है, अफगानिस्तान में जा सकता है, और फिर आगे ये है कि इवन एज फार ऑफ एज अफ्रीका, क्योंकि लोकेशन की बड़ी एडवांटेज है।
बिल्कुल बिल्कुल सर, लोकेशन जी बहुत जबरदस्त है जी पाकिस्तान की, और उसको एब्सोल्युटली जो है वो अरेबियन सी भी लगती जी है, जी गवादर पोर्ट भी है, जी तो जी डेफिनेटली कोई भी कैरेबियन कंपनी हो वो इजीली जो एब्सोल्युटली है और बड़े अच्छे एब्सोल्युटली तरीके से जी पाकिस्तान में जी ट्रैवल कर सकते हैं। और कोई भी मतलब वी आर रेडी टू फैसिलिटेट यू नो एनी वन हु इज़ इंटरेस्टेड। हम कहते भी रहते हैं, फिर रीजनल लेवल पे भी आई हैव रिटन टू ऑल द गवर्नर्स, उनकी तरफ से भी इंटरेस्ट होता है। ऑब्वियसली उसमें कोविड हैज़ बिन अ बिट ऑफ अ डैम्पर, बट होपफुली इंशाल्लाह द वर्ल्ड विल यू नो रिवर्ट टू बिजनेस एज यूजुअल, या और इंशाल्लाह डेफिनेटली आप इसमें मज़ीद एवरीथिंग बेहतरी देखें। जी। जी सर, आप एज अ पाकिस्तान हाई कमिश्नर फॉर पाकिस्तान आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप एक साल के बाद अपने ऑफिस को इसको कहाँ पे देखते हैं, आपका क्या विजन है इसको लेकर? देखें जी, हमारा डिप्लोमेटिक मिशन का जो फंक्शन है प्राइमरी वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंडिंग स्टेट, जो मतलब क्लासिकल व्यू है। बट ऑब्वियसली डिप्लोमेसी जो है ये किसी टाइम वॉर्प में नहीं है, एंड एवरीथिंग हैज चेंज्ड, डिप्लोमेसी हैज चेंज्ड एज वेल। तो नए प्रेशर्स हैं, इम्पेरेटिव्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, देर इज़ अ लॉट दैट कैन बी डन एंड ऑट टू बी डन। उसमें ये है कि जो यू नो फ्रीयर कम्युनिकेशन विद द गवर्नमेंट, विद द कम्युनिटी एंड विद अ व्यू टू डू समथिंग सब्सटेंटिव, मतलब इफ यू आस्क मी फॉर माई विजन, तो आई एम मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स सब्सटेंटिव वर्क दैन टू क्रिएट फोटो अपॉर्चुनिटीज और मीडिया प्रोजेक्शन। वो जैसे होता है ना कि जी आपने कोई फोटो वोटो खिंचवा के लगा दिए, तो वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट, वी हैव टू गो बियॉन्ड यू नो द वो जो यूजुअल होता है। तो कोशिश यही होती है कि कुछ सब्सटेंटिव काम किया जाए और इसी तरह लोगों की को फैसिलिटेट किया जाए उसमें टू द एक्सटेंट पॉसिबल। अब मसलन कंप्लेंट्स के मामले में आई हैव ट्राइड विद यू नो कंसिडरेबल सक्सेस कि जी कोई भी जब कंप्लेंट आती है तो इट शुड नॉट गो अनआंसर्ड उसको, एंड नो कंप्लेंट इज फ्रिवलस और अनइम्पॉर्टेंट, शुड बी इन्वेस्टिगेटेड एंड वी ऑलवेज गेट बैक टू हुएवर हैज़ अप्रोच्ड अस। उसके अलावा फिर ये आ जाता है जी कि जो होता है ना कि एक जनरल रिस्पॉन्सिवनेस, कि लोगों को ये लगे कि जी हमारा ये मिशन है एंड दे आर हेयर टू सर्व अस। और फिर उसमें ये कि जो भी आप उसमें क्या उसे कहते हैं कि एक्टिंग एज अ ब्रिज ऑल्सो एंड टू बेसिकली प्रोमोट हार्मनी विद इन द कम्युनिटी, मतलब अगर कोई डिविजन्स हैं तो उनको एग्जैसिबेट ना किया जाए। और उसमें ये है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए, और मसलन मैंने यहाँ पे मेरी कोशिश ये रही है कि जो सीनियर हमारे सिटीजन्स हैं उनको इन्वॉल्व रखा जाए और यूथ को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाए। यूथ को इन्वॉल्व करना इज़ अ बिट ऑफ अ चैलेंज बिकॉज ऑब्वियसली वी आर कम्पीटिंग विद सेवरल अदर एंटाइसमेंट्स दैट द यूथ हैज़, बट लाइक जैसे कुछ सीनियर सिटीजन है तो उनको एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन एंड वी शुड बेनिफिट फ्रॉम देयर विजडम। और इसी तरह से जो कोई भी ऐसे मामलात हैं कि जिनमें हम कोई अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, इसी तरह अगर होस्ट गवर्नमेंट के कोई कंसर्न्स हैं उनको भी एड्रेस किया जाए, और बुनियादी तौर पे एक बेहतर इनेबलिंग एम्बियंस पैदा की जाए ऑफ यू नो कॉन्डक्ट ऑफ रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज़। और अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात अच्छे हैं हमारे, बहुत अच्छे हैं, मज़ीद बेहतर भी हो सकते हैं। जी सर, और हमारी मसलन कोशिश होगी कि हाई लेवल विजिट्स का एक्सचेंज हो, वो उस तरह नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। इंटरेक्शन रहा है, टेलीफोन इंटरेक्शन रहा है हमारे वज़ीर आज़म का कैनेडियन वज़ीर आज़म के साथ, वज़राए खारजा लेवल पे भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि एक ऑफिशियल विजिट, विजिट्स का एक्सचेंज हो, बिल्कुल सर, पार्लियामेंट्री वो बहुत एक्सचेंजेस अच्छा रिपोर्ट हो, करेगा जी जी पीपल टू दोनों पीपल मुल्कों कांटेक्ट के हो, बीच में ताल्लुकात को बेहतर जी बनाना। जी ठीक है बिल्कुल। और उसमें ऑब्वियसली आई एम श्योर वी कैन काउंट ऑन द सपोर्ट ऑफ आर कंपेट्रियट्स लाइक योरसेल्फ जी सर, जी एंड बिल्कुल सर, जी सर, आपने इतना अच्छा
आपका विजन है, हम दुआ करते हैं कि आप जो है इसमें कामयाब हो सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें आपने जो सोचा है। तो ये मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को, 91.9 एफएम के लिसनर्स को, कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, मैं भाई यही कहना चाहता हूँ जी कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ मार्चिंग वेरी रेजोल्यूटली टुवर्ड्स इट्स राइटफुल प्लेस इन द कमिटी ऑफ नेशंस, और डोंट पे अटेंशन टू एनी टेंडेंशियस मीडिया रिपोर्ट्स, क्योंकि आजकल मुख्तलिफ किस्म की डिसइंफॉर्मेशन भी होती है। बिल्कुल। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता कि कहाँ कहाँ से आती है, आप मेरे से बेहतर समझते हैं। तो बेसिकली ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अल्लाह ताला के नाम पे बना हुआ है, इट इज़ हेयर टू स्टे एंड टू प्रॉस्पर, और हम सबका उसमें हिस्सा है, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए जी। और ये है कि अपने मदरलैंड के साथ कांटेक्ट रखें, रابطہ रखें, फिर जो नेशनल कॉजेज़ हैं उनके बारे में उनके साथ क्लूड इन रहें। मसला कश्मीर है, उसको जिस जो भी मौका मिले उसको उजागर करें, और उसमें ये ना सोचें कि जी कुछ नहीं होगा, फ्यूटाइल है ये वो, क्योंकि राइटियसनेस ऑफ द कॉज जो है वो वर्ल्डली सक्सेस उस पर असर नहीं डालती। अगर आपको कोई नतीजा नहीं भी नज़र आता तो इसका ये मतलब नहीं कि आप ये समझें कि ये बेकार है, तो उस पर भी रखें, हाँ गिव अप नहीं करना चाहिए। और फिर ये है कि बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, बड़े आप फाल शहरी हैं, बड़े बाइज़त शहरी हैं कनाडा के, बड़ी आपको कदरों मंजरत हासिल है, बड़ी इज़्ज़त से देखा जाता है। अल्लाह ताला आपको इसी तरह फलता फूलता रखे। आमीन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो टुडे, आपने हमें टाइम दिया है और हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। वी विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। गॉड ब्लेस। अल्लाह हाफिज़।